रस्ते नाल्या न बांधल्यास गंगानगरवासी मतदानावर करतील बहिष्कार. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हा महानगर उपाध्यक्ष अब्दुल नईम यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. गंगानगर येथील चारही बाजूने जोडणारे रस्ते नाल्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात यावे अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पार्टीचे अकोला महानगर उपाध्यक्ष यांनी केली आहे. अकोला पश्चिम आमदार करिता पोटनिवडणूक येत असून त्यापूर्वी गंगानगर येथील रस्त्यांचे नाल्यांचे कामे करण्यात यावी, अन्यथा गंगानगरवासी मतदानावर पूर्णपणे बहिष्कार करणार आहेत. यापूर्वी अनेक वेळा आमदार, खासदार, स्थानिक प्रशासनाला सुद्धा निवेदनं देण्यात आली होती, परंतु काहीही काम करण्यात आले नाही. त्यामुळे मुलांना रोडने चालणे कठीण होत आहे, तर येथे ॲक्सिडेंटसुद्धा होत आहेत. त्यामुळे गंगानगर येथील रस्ते नाल्या बांधण्यात याव्या असे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिनांक 11 डिसेंबर 2023 रोजी देण्यात आले. राष्ट्रवादी युवा काँग्रेस उपाध्यक्ष अब्दुल नईम, मैं नागरिकों के तरफ से आया हूँ गंगानगर की समस्या के लिए. हम गंगानगर से यहाँ निवेदन देने आए थे. कलेक्टर ऑफिस में हमने निवेदन दिए और उसके बाद में हमने बार बार निवेदन देते आ रहे हैं. 2020 से निवेदन देते आ रहे हैं हम गंगानगर के लिए, मगर अभी तक उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं. उसके लिए अब पश्चिम विधानसभा आमदार का इलेक्शन लगने वाला है, तो उसके लिए हम बहिष्कार करने वाले हैं. और कोई भी गंगानगर वासी इलेक्शन के लिए वोट देने के लिए जाएंगा नहीं. इसके लिए हम आप कलेक्टर ऑफिस में भी आए हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे के हमारा ये रोड और नाला का जो है समस्या ये दूर करे. नागरिक इतने परेशान है डेंगू मलेरिया और उसके बाद में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं वहाँ. उसके लिए कोई वहाँ पर देखने वाला नहीं है. हमसे बार बार इनको निवेदन देते हुए आ रहे हैं और कुछ काम नहीं होता है हमारा. शायद हम इंसान है या कोई जानवर है. इसके लिए हमारे को हम कलेक्टर साहब के पास भी है और अभी हम आगे इसके एक्शन भी लेंगे, नहीं तो हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं. आंदोलन करने के लिए भी अब तैयार रहेंगे.